एक कड़क चाय लगाओ भाई। छोटू इधर आ। तू फिर अखबार पढ़ने लगा, कितनी बार मना किया है तुझसे, ये पढ़ाई लगाई तेरे काम की चीज नहीं है, जा जल्दी सांप को चाय दे के आ। बेटे तुम्हारा नाम क्या है? शुभ। आप पढ़ने जाते हैं क्या? नहीं। अभी अखबार में क्या पढ़ रहे थे? मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं पढ़ पाया। स्कूल नहीं जाते आप? भाई साहब बच्चे की पढ़ने की उम्र है, आप इससे ये काम क्यों करा रहे हैं? अरे भाई साहब अनाथ बच्चा है, इसको काम पे रख लिया इतना काफी नहीं है क्या? जैसे पढ़ लेके कौन सा IAS ऑफिसर बन जाएगा। सुनिए भैया मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ऐसे कैसे उसको साथ में ले जाओगे, मेरी दुकान का क्या होगा? तुमको पता है ना नाबालिग बच्चों से काम कराना अपराध है। अरे साहब इस बच्चे को आप करोगे क्या? मैं इसका क्या करूँगा, आज से 15 साल पहले मैं भी ऐसी एक चाय की दुकान पर मजदूरी किया करता था, फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ। लाओ सेठ जी एक चाय पिलवाओ यार। अरे छोटू आओ इधर आओ, चाय दोगे नहीं भाई साहब को? ओ छोटू तुम्हारा नाम क्या है? भरत। पढ़ने नहीं जाते? महाराज अनाथ है को, अपन ने रख लो, पालत रहे हो, खात रहे हो, पीत रहे हो, बड़ो होत रहे हो। ठीक है महाराज मैं इस बच्चे को फिर मेरे साथ ले जाता हूँ, इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। बढ़िया ठीक है गुरु। ठीक है साहब बढ़िया, पढ़ाओ लिखाओ अच्छी तसल्ली से। चलो आपको बताया आज मम्मी क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला कि बड़े हो के आप क्या बनोगे? मैंने बोला मैं अंकल जैसी बनूंगा। अच्छा जिंदगी में बेटा एक ही बार मौका मिलता है, वो तुम्हें मिला है, इसको ऐसे ही नहीं जाने देना। मैं भी अभी तुमसे क्यों ये कह रहा हूँ, अभी तो तुम बच्चे हो, अब बात ये तुम्हें बाद में समझ में आएगी। चल भरत क्रिकेट खेलने चलते हैं। नहीं यार भाई मुझे घर जाके पढ़ाई करनी है। तू इतनी पढ़ाई क्यों करता वैसे? मैं इतनी पढ़ाई क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे एक मौका मिला है जो सबको नहीं मिलता। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी अंकल की वजह से हूँ, मैं इसे एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ, इसको एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ। जिस उम्र में हमारे देश में बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, वो इस उम्र में बाल मजदूरी कर रहे हैं गरीबी के कारण या फिर अनाथ होने के कारण। शायद इसकी तकदीर में भी 15 साल बाद किसी चाय की दुकान पर आना लिखा हो। बात तो इन्हें सही कही, पर ये थे कौन? अरे तूने पता है एक न्यूज आई है यार गुना के, अभी देखना कोई नए कलेक्टर साहब आए यार। हम सबके बीच है क्योंकि मुझे एक मौका मिला सबको नहीं मिलता। पढ़ लेके कौन सा IAS ऑफिसर बन जाएगा? पढ़ाई लगाई तेरे काम की चीज नहीं है। आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी अंकल की वजह से हूँ।